ओम शांति। 23 मई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूँ। तपस्वी मूरत अर्थात बाप समान, बेहद की वैरागी, चारों ओर के किनारों से मुक्त। ये तपस्वी मूरत आत्मा की विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे, विजन बनाएंगे। मैं तपस्वी मूरत आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ में बिंदु बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ। बिंदु बाबा की याद की लगन की अग्नि से मैं चारों ओर के किनारों से मुक्त, बेहद की वैराग्य वृत्ति की अग्नि प्रज्वलित करके बैठी हूँ। और बाप समान सर्व खजानों सर्व शक्तियों से संपन्न होकर शीतलता की किरणें इस कल्प वृक्ष की हर आत्मा को दे रही हूँ। इस तरह सेवा करते समय, हम कर्म करते समय सारा दिन अटेंशन देंगे, क्या मैं चारों ओर के किनारों से मुक्त हूँ, देह संबंध पदार्थ और संस्कार। तो इसलिए सारा दिन वैरागी बन करके कर्म में आएंगे। तो हमारा जीवन ही तपस्या है। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि श्रीमत से माया पर तुम जीत पाते हो और जीत प्राप्त करके तुम सतयुग में सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हो। अर्थात श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, वारिस बनते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं। तो आज सारा दिन ही बाबा से जो श्रीमत मिली है मुरली में, उसके ऊपर अटेंशन रखते हुए उसको जीवन में धारण करेंगे। पहली श्रीमत बाबा ने दी कि एक जगह बैठ करके योग लगाने की आदत नहीं डालनी है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करते रहना है। क्योंकि माया जीत बनना है तो माया तो कर्म करते ही आएगी। दूसरा बाबा ने श्रीमत दी कि तुम अभी संगम युग पर पवित्र बनो, और पवित्र बनने के साथ बोला कि तुम आसुरी बर्थडे और शादी मैरिज डे को सेलिब्रेट करना कैंसिल करो, ईश्वरीय बर्थडे मनाओ, क्योंकि ये लौकिक बर्थडे से अलौकिक बर्थडे बहुत वैल्यूएबल है। तीसरी श्रीमत आज बाबा ने दी कि बाबा को पूरा पूरा पोता मेल देना है। तो पोता मेल में याद का चार्ट देना है कि कर्म में, जैसे फैक्ट्री में रहते, धंधा करते, संबंध में आते, बाबा की कितनी याद रही। तो बाबा चार्ट से समझते हैं कि कैसा पुरुषार्थ है, और फिर अपनी कमी भी बतानी है, क्रोध तो नहीं किया, डिसर्विस तो नहीं की। और जब बाबा को हम कमी बताएंगे तो बाबा सबके सामने हमें समझाने देंगे और हमारा कल्याण होगा। फिर स्व उन्नति और सेवा का भी ध्यान रखना है, ब्रह्मा बाप के साथ रूहानी सेवा करते रहना है, दूसरों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी है। श्रीमत दी है कि नॉलेज को दूसरों को समझाना है, तो आज बाबा ने नॉलेज दी है कि तुम्हें शांति तुम्हारा गले का हार है, सृष्टि चक्कर की नॉलेज दी है। ये पहले अपने जीवन में धारण करनी है, फिर दूसरों को करानी है, तो स्व उन्नति भी होगी और सेवा भी होगी। इसी तरह श्रीमत पर चलने से हम चिंता से मुक्त भी रहेंगे, 21 जन्मों का वर्षा भी पा लेंगे। तो इसी तरह आज हम इन बातों पर अटेंशन देते हुए सुख शांति पवित्रता का वर्षा बाबा से लेंगे। ओम शांति।